हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजमित स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 बी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद ऑब्टेन अ लोन ऑफ दिस रुपीस फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर्स। द बैंक चार्ज कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर टू क्लियर द डेट। चलिए वहाँ पास क्या गिवेन है, प्रिंसिपल गिवेन है, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास गिवेन है कितना दे रहा है, 1,25,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमें रेट दे रखा है कितना है 8%। फिर हमारे पास ईयर रखा है, मतलब टाइम दिया हुआ है या फिर एन दिया हुआ है 3 ईयर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, कंपाउंड एनुअली फाइंड करना था। सिंपल है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे, मतलब अमाउंट फाइंड करना है कितना अमाउंट उसने 3 साल में दिया, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअली में पी 1 + R/100/n, ये होता है। चलिए पी से प्रिंसिपल 1,25,000, 1 + R है 8% अपॉन 100, एन है 3। चलिए सॉल्व करते हैं, सो कट करते हैं, 4 2 8 होता है 425, 125,000। अब इसका एलसीएम लेके प्लस कर देंगे, 25, 26, 27/25/3। मल्टीप्लाई पावर हटा देंगे ब्रैकेट को, 25 × 27/25 × 27/25। ठीक है, अब 25 25 का कितनी बार में जाना है कि 125 बार, 25 5 = 125 होता है 3 0। ठीक है, अब फिर से कर लेते हैं, फिर से कटेगा ये 25 200 = फिर से 25 8 तो पास आएगा 8 × 27 × 27 × 27। अब 27 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पास आएगा, अब 27 8 216 होता है, और 27 × 27 का करेंगे तो 729। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास आएगा 3,000। ये हमारा अमाउंट है और यही आंसर है, आपको मल्टीप्लाई करके खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर अगो वीरू परचेज अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर दिस रुपीज, व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फिर से इसमें यही करना है हमें, मगर इसमें टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है, रेट भी हमें पता है, ठीक है, टाइम भी पता है, और हमें पास प्रिंसिपल भी पता है। अमाउंट का फॉर्मूला लगा कर हम अमाउंट फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, पी 1 + R/100/n 11,000, 1 + 10/100/3, मतलब टाइम हमारे पास 3 था, 11,000। अगर इसका एलसीएम कर देंगे
वन टू टेन आंसर 10 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 1 11 ब्रैकेट में 11 अपॉन 10 पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11,000 इंटू 11 अपॉन 10 टू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 कैंसिल हो गया हमारा 3030। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करा देंगे 11 इंटू 11 11 इंटू 11 ठीक है 11 इंटू 11 हमारे पे पता है कितना होता है 121 होता है इंटू 121 आपस में जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 14,641 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा यही हमारा आंसर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सुभा लक्ष्मी 2 का लोन ऑफ 30 रुपीज फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज अ टीवी सेट इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दिस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड दिस पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर टू ईयर। कह रहे पहले साल में 12% है और दूसरे साल में 12.5% का रेट लगा हुआ है उसके प्रिंसिपल पे। चलिए लिख लेते हैं क्या गिवन है आपस 10 में प्रिंसिपल गिवन है कितना है 18,000 फिर फर्स्ट ईयर में रेट है हमें फर्स्ट ईयर में रेट गिवन है हमें 12% और सेकंड ईयर में रेट गिवन है हमें 12.5% ठीक है। अब इसमें भी अमाउंट निकालना है मगर अलग अलग रेट का एक एक साल में 12% हो रहा है और दूसरे साल में 12.5 को हम 25/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 12 + 24 + 1 = 25/2 ठीक है। अब इसमें निकालने का अलग तरीका है चलिए ध्यान से देखते हैं अमाउंट पी 1 + R/100 पावर नहीं लगेगी फिर यहाँ पे 1 + R/100 इसमें क्या कह रहा है अलग अलग रेट दिए गए अलग अलग साल में तो हम अलग अलग साल का रेट निकालेंगे प्रिंसिपल हमें गिवन है 18,000 था 1 + R हमारे पास 12/100 ठीक है फिर यहाँ पे 1 + रेट है हमारे पास 25/2/100 पावर तो कुछ है नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम चेक कर लेते हैं अपॉन वन कर लेते हैं तुम्हें तो पता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में बड़े ध्यान से ही करेंगे लिखेंगे 18,000 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 112/100 इंटू अगर पहले इसको सॉल्व करते तो 1 + 25 ऊपर रहेगा अपॉन 100 × 200 ठीक है। अब हमें पता है 25 × 8 = 200 इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 18,000 इंटू 112/100 सिंपल है इंटू अब इसको वही करते हैं 8 ऊपर 1 जाएगा तो जैसे एलसीएम लेते हैं 8 मल्टीप्लाई हुआ 8 और प्लस 1 9 9/8 अब 0 से 0 कैंसिल ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 108 इंटू 112 इंटू 9/8 इतना आएगा हमारे पास। अब हम करेंगे इसको इससे कैंसिल कर देंगे 14 आ जाएगा सिंपल है तो 14 9 हमें पता ही कितना होता है ठीक है। अब हमें पता है 14 126 होता है 126 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम 10180 में तो हमारा आंसर आएगा 2 2680
ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें फिर से ध्यान देना क्या किया था इसमें, इसमें पहले दो रेट दिए गए थे अलग अलग साल के, ठीक है, तो उसमें अलग अलग फॉर्मूला लगे गए रेट का, पहले साल का ये, दूसरे साल का इसमें। पहले साल इसमें लिखा 12/2 का, 12/2 को 20/2 किया, 25/2, 25/2 हमें पे अपॉन 100 किया, अपॉन 100 के नीचे अपॉन 1 किया, ठीक है, जिससे हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 25 में किया तो 25 ही आएगा, और 100 मल्टीप्लाई 2 में किया 200 आया। फिर इसको हमने कट कर दिया, 25/8 होता है, फिर सॉल्व कर दिया, ऐसे ही हमारा पूरा आंसर आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नेहा ने इतना उधार लिया और किसे, स्टेट बैंक से, ठीक है, स्कूटर खरीदने के लिए। इफ द रेट इंटरेस्ट भी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 10% रेट लग रहा है उसका, व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। कह रहा है कि 2 साल और 3 महीने बाद उसने कितना पे किया, तो कितना पे किया मतलब उसने अमाउंट कितना पे किया, तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। मगर इसमें कह रहा है 2 ईयर और 3 मंथ है, तो अब ये 2 ईयर और 3 मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल जो है 24,000, ठीक है, और क्या गिवन है, रेट है जो है 10%, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर और 3 मंथ। पहले टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं टाइम को कैसे। अभी तक तो हमारे पास 2 ईयर 3 मंथ वाला आ रहा था, तो हम लोग करेंगे 2 ईयर 3 मंथ। तो 2 ईयर तो हमारे पास है, हमारे 3 मंथ, तो 3 मंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे ईयर में, ठीक है, तो 3 मंथ हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 मंथ है, ठीक है, उससे 12 मंथ 12 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, हमारे पास 3 मंथ है, तो हम सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, 3/12 कर देंगे, तो 3/4 होता है, ठीक है, यहाँ आएगा 1, ये होता है बस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/1/4, ठीक है, इतना लिखा हमने। अब चलिए हमें अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट निकालते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फॉर्मूला लिखेंगे 1+R/100n इंटू दूसरे में 1+1/4 इंटू R/100, ठीक है, इसमें हमें ये करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल है 4,000, 1+ रेट है हमारे पास 10/100, एन हमारे पास पता है कितना है, हमारे पास 2 ईयर लिख दिया, इंटू फिर से वही 1+, ठीक है, 1/4 था हमारा, तो 1/4 इंटू 10/100, बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 24,000 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11/10^2 इंटू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 10 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10/4/100 है, तो सिंपल सा 100 के ऊपर नीचे लिखेंगे 1, अब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो 10/400 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 1/40 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1+1/40, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 24,000 × 11/10 × 11/10 इंटू, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 41/40 आ जाएगा, 40 का 40 और +1 41/40, ठीक है। अब 0 से पहले 0 कैंसिल कर देते हैं, मेरे पास आएगा 240 × 11 × 11 × 41/40, अब 24 6
एट, 4 6 से 24 होता है, तो 6 आ गया हमारे पास, 6 इंटू 11 तो 66 इंटू 11 इंटू 41 हो गया, ठीक है। 66 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 726 इंटू 41, 41 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29,766, ठीक है। यही हमारा अमाउंट है और आंसर भी है, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर मंथ में दिया था, तो मंथ को कन्वर्ट किया हमने ईयर में, तो अपॉन 12 करके, क्योंकि वन ईयर में 12 मंथ होता है, तो जैसे यहाँ बताया था 3 अपॉन 12 किया, 3 4 12 1/4 आया, ठीक है। अब अमाउंट के फॉर्मूले का रेट, रेट हमारा था 10% रख दिया, और इसमें 1/4 क्योंकि 2 ईयर हमारा एन में आ गया, और 1/4 यहाँ पर आया रेट के साथ मल्टीप्लाई में फिर, ठीक है। जो हमने 10 यहाँ पर रखा था रेट, वही हमने इस तरफ भी रखा, 1/4 लिखा, फिर इसको सॉल्व कर दिया, यही हमारा फिर आंसर आ गया 29,766। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, कह रहा है कि अब आई बोरोड इतना दिस रुपीज पर दिस परसेंट एन एम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऑन द सेम डे ही लेंड इट टू द गुरमीत एट द सेम रेट एट द कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट पे यही रेट दिए थे, फिर दूसरे को लिए थे उससे, सिंपल इंटरेस्ट में लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे को दे दिया, ठीक है। पहले हम एसआई निकालेंगे, तो हमें एसआई का फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो पी हमें पता ही क्या है, 16,000, आर हमें पता है, अगर हम इसको कर दें तो 15/2 आ जाएगा, तो 15/2, ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा इंटू 100 है, और टाइम हमें पता है 2 है, 2 से 2 0 से 0, अब बस क्या आया 160 इंटू 15। अब 160 इंटू 15 करेंगे कितना आएगा, 2400 आएगा हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास SI आया 2400। अब इसी प्रिंसिपल रेट और टाइम पे हमें CI निकालना है, मतलब सॉरी अमाउंट निकालना है, फिर CI निकालेंगे, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आता है P 1 + R/100 पावर N। पी हमारे पास है 16,000, 1 + R है हमारे पास, रेट हमारे पास वही है 15/2/100, पावर है हमारे पास 2 ईयर, ठीक है। फिर वही करेंगे 1 इसका इससे मल्टीप्लाई, बताया था इसका इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 16,000 1 + 15/200, 5 3 = 5 4 = 20, ठीक है, पावर 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16,043/40 पावर 2, सिंपल है बहुत ही। फिर से करते हैं 16,000, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 43/40 × 43/40, ये पावर 2 है तो हम 2 बार लिखेंगे, 0 0 0, 4 4 = 16 होता है, 60 और 4 10 = 40, लिख लिया 10 × 43 × 43, 10 × 43 430 आ जाएगा, इंटू 43 कर देंगे तो वहाँ पास आ जाएगा 18,490, ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। अब अमाउंट के बाद हमें निकालना है CI, CI का फॉर्मूला होता है A - P, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास है 18,490 - 16,000, ठीक है। अब 16,000 करेंगे तो वहाँ पर 0942 2,490 आ जाएगा हमारा CI,
मगर हमें तो गेन निकालना था, तो गेन निकालने के लिए हम कर देंगे सी आई माइनस एस आई। एस आई हमने पहले निकाल रखा था, हमारे पास एस आई आया था 24,000, ठीक है। अब वही सी आई है हमारे पास, तो हम माइनस कर देंगे दोनों को, 2,490 माइनस 2,400, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ये गेन है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज दिस, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। अब कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हमें एस आई दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, टाइम दिया गया, और हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट होने से पहले हमें अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि सी आई का फॉर्मूला हमें पता है ए माइनस पी होता है, तो ए चाहिए, और ए से पहले हमें प्रिंसिपल भी निकालना पड़ता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल किसके फॉर्मूले से, एस आई के फॉर्मूले से, क्योंकि एस आई हमारे पास गिवन है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल है। प्रिंसिपल पता ही नहीं है, तो प्रिंसिपल में पी रखते हैं हम, रेट हमें आर दिया है, टी हमारे पास 2 दिया है, अपॉन 100 करते हैं, और एस आई हमारे पास गिवन है 2,400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको पहले कर देते हैं 50, 25, 24,000 पी इंटू 4/25। अब ये डिवाइड में तो इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लिखेंगे 24,000 इंटू 25/4, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 24 6, अरे 4 6 24 होता है, 1000 कर दिया, ठीक है। अब जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 हमें पता है 150 होता है, 150 लिखा और 30 तो 30 लगा दिए, वैसे पी तुम्हारा पी आ गया 1,50,000, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीआई में अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, पी 1+R/100 पावर एन, पी हमने फाइंड कर लिया है, तो पी लिख देते हैं, ठीक है। वन प्लस रेट हमारे पास गिवन है, रेट 8/100 करते हैं, पावर हमारे पास कितनी है, एन, एन मतलब पावर 2 दी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 25, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, कैंसिल किया, कैंसिल करने में आ गया ना हमारे पास 25, तो 1,50,000 इंटू 27/25, सीधे पावर ब्रैकेट से हटा देते 27/25, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो 6,000 आ जाएगा, फिर से इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। अब 240 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 27 इंटू 27 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2,240 × 729। अब 729 का मल्टीप्लाई 240 से हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,496 ये हमारा अमाउंट है। हमें तो फाइंड करना था सी आई, तो सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, अमाउंट हमारे पास गिवन है, फाइंड के लिए मतलब 496, प्रिंसिपल हमने फाइंड किया ही था 1,50,000, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2,496,
सी आई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, पहले हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं था, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड किया, हमारे पास एस आई गिवन था, तो एस आई के फॉर्मूले से हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद अमाउंट निकाला, अमाउंट से सी आई निकाला, तो यही हमारा आंसर है।